Hello students, how are you? I hope you all are fine and me too. Welcome to the hot section of ADNAS and their components, high order thinking skills. आज हम बेटा बहुत सारे टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि बोर्ड ने लेटेस्ट इंट्रोड्यूस किए थे अपनी एनसीईआरटी में और ये इंपॉर्टेंट भी हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे कॉन्सेप्ट क्लेरिफिकेशन देंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सिट्रस पेरिबस की. आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिट्रस पेरिबस ये टर्म सुनी है जिसको हम स्टाइलाइजेशन टिपिकल कहते हैं कि कोई भी इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हम मैक्रो या माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमें इन चीजों को एज्यूम करना पड़ता है. क्लियर जी? जैसे कि जब हम एडीएन एएस पढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो आई कॉम्पोनेंट है वो कॉन्स्टेंट है. हम देख रहे हैं सिंपल इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी या टू सेक्टर मॉडल जिसमें गवर्नमेंट या एक्सटर्नल सेक्टर का रोल नहीं है. क्लियर है जी? उसके बाद हम कहते हैं जो हमारी कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम है वो होती है एक्सपोस्ट मेजर्स पे. एक्सपोस्ट आप जानते हैं ये कौन से हैं, जो कि एक्चुअल या रियलाइज्ड हैं. क्या है जी? एक्चुअल या रियलाइज्ड. लेकिन जब हम डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम कर रहे हैं यहाँ पे, जो मैं आपका नेक्स्ट आने वाले जो चैप्टर है उसका भी बेस बना रहा हूं, तो वो हम कर रहे हैं एक्स एंटे मेजर्स पे. जब मैंने एडी एंड एएस का आपको डेफिनेशन कराया तो मैंने बताया ये क्या है, एक्स एंटे मेजर्स है. ये वेरिएबल्स डिजायर्ड हैं, इंटेंडेड हैं, एक्सपेक्टेड हैं. क्लियर है जी? तो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम होगी एक्स पोस्ट मेजर्स पे, लेकिन डिटरमिनेशन होगी एक्स एंटे मेजर्स पे. अब हम कहते हैं नेक्स्ट कि सिंपलेस्ट एजम्पशन ऑफ सी फंक्शन क्या है. ये सिंपलेस्ट एजम्पशन जो मैं कह रहा हूं ना, सिट्रस प्रेजेंस, अदर थिंग्स कीपिंग कांस्टेंट, या क्या क्या एजम्पशन हम ले रहे हैं, तो एजम्पशन क्या है कि हमारा जो कंजम्पशन है एडिशनल, वो चेंज इन इनकम यानी कि एडिशनल इनकम के साथ कांस्टेंट रेट पे बढ़ता है. जब मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया था, एडीएस शेड्यूल कराया था, तो हमने देखा था कि इनकम जो है वो 100-100 यूनिट से बढ़ रही है और जो कंजम्पशन है वो 80-80 यूनिट से बढ़ रही है और हमारा एमपीसी कांस्टेंट है. क्या है? कांस्टेंट. तो ये हमने सिंपलेस्ट अजम्पशन ली है इसकी. क्लियर जी? नेक्स्ट आता है हमारे पास, हम बोलते हैं सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई. अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम क्या देखते हैं कि बी को हम इक्वल टू स्मॉल सी भी बोलते हैं, तो हमारी ये इक्वेशन हो जाती है सी इज इक्वल टू सी बार प्लस सी वाई. तो आप सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई या सी इज इक्वल टू सी बार प्लस सी वाई दोनों ले सकते हैं, बोथ आर करेक्ट. अब जो सी वाई है यानी कि जो ये वाला कंपोनेंट है या जो बी वाई है, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड कंजम्पशन, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है उसका कुछ हिस्सा हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये क्या है, इंड्यूस्ड कंजम्पशन. और जो सी बार है हम पहले पढ़ चुके हैं, ये क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन. नेक्स्ट देखेंगे हम B is equal to C is equal to MPC, फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं. वैल्यू ऑफ एमपीसी lies between 0 and 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 is less than MPC is less than 1, लेकिन जहां पर हमारा एमपीसी 0 हो सकता है, yes, if 100% of income is saved, या हमारा एमपीसी 1 हो सकता है if 100% of additional income is consumed, तो वो हमारे पास exceptions आती हैं, लेकिन हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 0 इज लेस देन एमपीसी इज इक्वल टू इज लेस देन 1 और 0 इज लेस देन इक्वल टू एमपीसी इज लेस देन इक्वल टू 1. नेक्स्ट आ गया हमारे पास एमपीएस. तो जिस तरीके से हम एमपीसी को स्मॉल सी से डिनोट कर रहे हैं, तो एमपीएस क्या है, 1 माइनस बी, तो इसको 1 माइनस सी या हम इसको स्मॉल एस से डिनोट कर सकते हैं. मैं रिपीट कर रहा हूं, एमपीसी को हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं और एमपीएस को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं. ये सारे जो डिनोशंस जो मैं मार्किंग्स कह रहा हूं, ये सिंबल सारे हमारे एनसीईआरटी प्रश्न बुक में दिए हुए हैं. क्लियर है? उसके बाद आता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट. अब हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हम पढ़ चुके हैं. एमईआई मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी मैंने अपने पिछले लेक्चर में समझाया. अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है, डिपेंड करता है, लेकिन हमारे इस एनालिसिस के अंदर वी हैव केप्ट इट कांस्टेंट. अब इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट का हमने 4-5 लेक्चर्स पहले जब हमने नेशनल इनकम एग्रीगेट्स पढ़ा या मैक्रो इकोनॉमिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ा, तो उसमें हमने पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन, तो वो क्या हो जाता है हमारा, चेंज इन फिक्स्ड एसेट्स प्लस चेंज इन इन्वेंट्री. क्या है जी, चेंज इन फिक्स्ड एसेट्स प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, बट कीपिंग इट कॉन्स्टेंट टू आवर एनालिसिस हम कहते हैं आई इज इक्वल टू आई बार, जिसको बोलते हैं एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट डिमांड. आई क्या, इक्वल टू आई बार, और आई बार क्या है, ये पॉजिटिव कॉन्सोनेंट है. क्या है जी, पॉजिटिव कॉन्सोनेंट. इसको हम बोलते हैं कि या तो इसको ऑटोनोमस कह सकते हैं, इसको गिवन बोल सकते हैं, या इसको एक्सोजेनस बोल सकते हैं. इसका मतलब दिस इज कॉन्स्टेंट टू आवर एनालिसिस, तो क्या हो गया बेटा, वो ऑटोनोमस हो गया, गिवन हो गया, या एक्सोजेनस हो गया टू आवर एनालिसिस. क्लियर है जी? फिर आ गया हमारे पास
डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन टू सेक्टर मॉडल या शॉर्ट रन। अब यहां पर हम इस ADAS के नेक्स्ट चैप्टर यानी कि यूनिट वाइज तो ये एक ही है लेकिन इसके अंदर हम इसको तीन चैप्टर्स में कवर करेंगे। हम सेकंड चैप्टर की तरफ अब कदम रख रहे हैं क्योंकि वो बेस हमारा इसी चैप्टर से बनेगा। तो क्या है, डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन टू सेक्टर मॉडल या शॉर्ट रन C+I। हम पहले पढ़ चुके हैं, हम किस में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं AD = C+I, AD = AS = Y, तो Y = C+I। इसके ऊपर हमने लास्ट लेक्चर में 5 न्यूमेरिकल्स भी कवर किए थे जहां हमने इन इक्वेशंस का यूज किया था। अभी क्या कहता है, इस डिटरमिनेशन के लिए हमारे पास दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हमारे प्लस टू के सिलेबस में है, सेकंड स्टेप नहीं, ठीक है जी। पहला क्या है जी, टेकिंग प्राइस लेवल एज फिक्स्ड। सेकंड इज व्हेन प्राइस लेवल वेरीज। हम प्राइस लेवल वेरीज में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन की। अब हमारे पास जस्टिफिकेशन क्या है कि हम प्राइस लेवल को फिक्स्ड ले रहे हैं। तो इसका पहला जस्टिफिकेशन यह है कि वी हैव अनयूज्ड रिसोर्सेज। तो आप याद कीजिए, जब हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था तो हमने कहा था कि हम लेबर जो है यानी कि जो वेरिएबल फैक्टर है उसको इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट है, जो हमने पढ़ा था रिटर्न्स टू अ फैक्टर, राइट। तो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास अनयूज्ड रिसोर्सेज हैं, तो जब तक हमारे पास अनयूज्ड रिसोर्सेज हैं तब तक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो अप्लाई नहीं होगा। जब तक अनयूज्ड रिसोर्सेज हैं तब तक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो है इंक्रीज नहीं होगी, क्लियर। सो दिस इज नॉट विद, दिस इज विदाउट विदाउट इंक्रीजिंग दी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट अगर हो रही है लेकिन वो इंक्रीज नहीं हो रही है क्योंकि हमारे पास अनयूज्ड रिसोर्सेज हैं, क्लियर है। उसके बाद दिस इज जस्ट अ सिंपलीफाइंग अजम्पशन व्हिच कैन बी चेंज्ड लेटर। तो अभी हम प्राइस लेवल फिक्स्ड पढ़ रहे हैं, आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे आप वेरिंग प्राइस लेवल के साथ भी आगे एजुकेशन प्राप्त करेंगे। अब हमारे पास इस डिटर्मिनेशन के दो मेथड्स हैं, हमारे पास इस डिटर्मिनेशन के दो मेथड्स हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड, वो हम कर चुके हैं, ADAS कर चुके हैं, I कर चुके हैं, CS, ADAS के कर्व्स कर चुके हैं। ये हमारा है नेक्स्ट चैप्टर का बेस। हम यहां पर करेंगे इक्विलिब्रियम कि ADAS में इक्विलिब्रियम कहां आता है, जहां AD = AS होता है वहां पे हम इक्विलिब्रियम इनकम जो है डिटरमिन करते हैं ग्राफिकली, क्लियर है। ये पार्ट हम पहले कवर कर चुके हैं। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, एल्जेब्रिक मेथड। इसमें से कुछ हिस्सा हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लेकिन अब हॉर्स बेस्ड है तो उन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या कहते हैं, देखिए एल्जेब्रिक मेथड में सबसे पहले नोट कीजिए C bar + I bar = A bar। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में लिखवाया था, C bar इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, I bar इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट या एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट डिमांड। ये देखिए मैंने यहां पर भी लिखा है, विच इज कॉन्स्टेंट टू आर एनालिसिस, जो हम इस लेवल पे पढ़ रहे हैं, विच इज इक्वल टू A bar इज ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। सो ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। अब क्या हो गया, B = C = MPC। ये हमने आज यहां पर पढ़ा कि हम BY को CY लिख सकते हैं, MPC को छोटे b के साथ हम छोटे c से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अभी क्या करें, जो A बार है वो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है। अब जो हमारे ये दो कॉम्पोनेंट इसमें C बार और I बार, वो क्या है, C बार इज मोर और लेस कॉन्स्टेंट। इसका मतलब अगर लास्ट मंथ मेरी कंजम्पशन जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो 5000 थी तो नेक्स्ट मंथ भी 5,500-6,000 होगी या 4,000 रह जाएगी, तो मोर और लेस इट इज कॉन्स्टेंट। बहुत रेयर चांसेस होंगे कि वो बढ़ेगा या कम होगा। एग्जाम्पल, हमने राशन उतने की ही जरूरत है उस परिवार में, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा उस परिवार में क्योंकि हमारी यूजेज कॉन्स्टेंट होती है। लेकिन जो आई बार है इट अंडरगोज पीरियोडिक फ्लक्चुएशन, लेकिन शॉर्ट रन में वो पीरियोडिक फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, पीरियोडिक मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो लॉन्ग रन में क्या है, वो पीरियोडिक फ्लक्चुएशन की तरफ जाएगा। उसके बाद एक्स एंटे सप्लाई इज इक्वल टू एक्स एंटे डिमांड ओनली एंड ओनली इन फाइनल गुड्स मार्केट। जब हम फाइनल गुड्स की बात करते हैं तो ये एक्स एंटे क्या बन जाता है, एक्सपोस्ट, और जो डिफरेंस है वो चला जाता है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में, विच इज अनप्लान्ड। अब मैं आपको बड़ा छोटा सा इसका एग्जाम्पल समझाता हूं। मान लीजिए आपकी एग्रीगेट सप्लाई थी 100 यूनिट्स, इसको मैं ले रहा हूं एक्स एंटे, इसका मतलब प्लान्ड या डिजायर्ड, कितनी बेटे 100 यूनिट्स। लेकिन जो मेरी एक्चुअल या मैं कहूंगा एक्स पोस्ट ADI
क्लियर है, वो कितनी आई, वो आई 90 यूनिट्स। तो इसका मतलब मेरा इक्विलिब्रियम हो गया 90 इज इक्वल टू 90, लेकिन मेरी सप्लाई कितनी थी, एस कितनी थी 100, तो 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10, ये 10 बन जाएगा बेटा अनप्लैंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, अनप्लैंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो इक्विलिब्रियम इनकम है वो डिपेंडेंट है एडी के ऊपर, क्योंकि एक्चुअल में जितनी हमारे पास एक्सपोस्ट डिमांड आएगी वही इक्विलिब्रियम स्ट्राइक होगा, और बाकी का हमारा प्लैंड या अनप्लैंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। वो पॉजिटिव तब होगा अगर हमारे पास स्टॉक इंक्रीज हो गया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का, और वो नेगेटिव तब होगा कि अगर डिमांड ज्यादा आ गई और हमें अपने इन्वेंट्री में से और सामान बेचना पड़ गया। तो हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन एडी, ठीक है जी। तो ये रही हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और ये जो नेगेटिव इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है ना, इसके ऊपर हमारे पास मार्च 2020 में जो इकोनॉमिक्स का सीबीएसई का बोर्ड का पेपर हुआ है उसमें जो न्यूमेरिकल आया था उसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट माइनस में थी, इसका मतलब नेगेटिव इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, सो इट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम करते हैं, अगर गवर्नमेंट सेक्टर एग्जिस्ट करता, पहली बात तो हमने किया कि इट इज कॉन्स्टेंट, हम सिंपल इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, हम टू सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं सी प्लस आई, क्लियर है। तो अगर वो होता तो क्या होता, वो टैक्सेस और सब्सिडीज होती मार्केट में, वो एग्जिस्ट करती, क्योंकि गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती और हमें सब्सिडीज देती, राइट, हमसे टैक्स लेती और हमें सब्सिडीज देती। तो जब हमारी इनकम में से टैक्सेस कट जाते हैं उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, क्या बोलते हैं बेटे, डिस्पोजेबल इनकम। तो अगर मैं कहूंगा इनकम माइनस टैक्सेस इज इक्वल टू डिस्पोजेबल इनकम, अब ये डिस्पोजेबल इनकम क्या है, मान लीजिए कि मेरी मंथली सैलरी है 10,000 रुपीज और मुझे उसके ऊपर 1,000 रुपीज टैक्स पड़ा, तो मेरे पास खर्च करने के लिए कितने पैसे बचे, 9,000। तो जो टैक्स पे करने के बाद आपके पास खर्चा करने के लिए बचता है उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाती, y इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार, सेम है देखिए, प्लस गवर्नमेंट सेक्टर ऐड हो गया और सी वाई की जगह क्या हो गया, सी इंटू वाई माइनस टी मीन इनकम माइनस टैक्सेस। लेकिन जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये जी माइनस सी टी आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार वही रहेगा और हमारे पास जी माइनस सी टी आ जाएगा, ठीक है जी। तो सी वाई कॉम्पोनेंट वही रहेगा, तो ये हमारा क्या है, टर्म ए यानी कि ए बार के अंदर ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड हो गया, क्योंकि यहां पर इसको हमने कॉन्स्टेंट लिया है। तो जब भी हम विदाउट गवर्नमेंट चल रहे हैं जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का कोई रोल नहीं है, तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जितनी प्रोड्यूस हुई वो आइडेंटिकली इक्वल हो जाएंगी नेशनल इनकम के, क्योंकि ना तो टैक्सेस हैं ना सब्सिडीज हैं, ना हम टैक्स पे कर रहे हैं ना हमें सब्सिडीज आ रही हैं, क्योंकि हम टू सेक्टर मॉडल यानी कि सिंपल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट हैज नो रोल टू प्ले, क्लियर। अब आ गया हमारे पास कि फिर हम उसको डिटरमिन कैसे करेंगे। हम ये जानते हैं वाई इज इक्वल टू एडी, हम ये भी जानते हैं एडी इज इक्वल टू सी बार प्लस सी वाई प्लस आई बार, क्लियर है। तो क्यों, मैंने यहां पे क्या किया, मैंने बी वाई की जगह सी वाई ले लिया, ये मैं आपको बता चुका हूं कि एमपीसी को हम बी की जगह सी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो है क्या, वाई इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार प्लस सी वाई, ये सब हम न्यूमेरिकल्स पहले कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इनकम निकालने का और फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन वही है सिर्फ उसको करने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है जी। और ये चीज क्लियरली हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, तो आपको आप इस इक्वेशन में वैल्यूज डालिए आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको डेरिवेशन दिखा रहा हूं कि वो कैसे बनेगी। देखिए अब मैं आपको कह रहा हूं इस सी वाई को मैं इधर ले रहा हूं, तो मेरे पास बन गया बेटे y माइनस सी वाई इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार। अब हम जानते हैं कि सी बार प्लस आई बार इज इक्वल टू ए बार, ये देखिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, ये हम अपने पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा और यहां से y कॉमन लूंगा, y ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस सी इज इक्वल टू ए बार। अब मैं 1 माइनस सी को नीचे ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू ए बार अपॉन 1 माइनस सी, और c को मैं एमपीसी भी बोलता हूं, तो क्या आ जाएगा, हम इसको और में करके लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए बार अपॉन 1 माइनस बी। अब आपको लग रहा है ये टफ है, ऐसे वैसे कुछ नहीं है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप एक्चुअल में ऐसे ही इनकम डिटरमिन करते हैं जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में 5 न्यूमेरिकल्स किए। आप देखिए उसमें ये किया, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, मैं यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक इमेजिनरी गिवन है बेटा, मैं सी इज इक्वल टू
40 + 0.8y. क्या जी, कंजम्पशन फंक्शन गिवन है 40 + 0.8y, और मैं कह रहा हूं इन्वेस्टमेंट गिवन है 10. इन्वेस्टमेंट क्या गिवन है 10. तो अब मैं y कैसे निकल लूंगा, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, y इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई. देखिए सेम क्वेश्चन आ गई मेरे पास, y इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई. तो बी वाई सी वाई जैसे मर्जी लिख लो, तो i हो गया i बार, तो मैं क्या लिखूंगा y इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, क्या बेटे 40 + 0.8y + 10. तो अब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, y माइनस 0.8y इज इक्वल टू 40 + 10. अब देखो ये क्या बन गई हमारी, ये सेम इक्वेशन बन गई, सेम बन गई ना. तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं y माइनस सी वाई इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार. देखो वही आ गई ना इक्वेशन, क्लियर है. तो क्या बना ये, अब यहां पे आ गया y कॉमन, 1 - 0.8 इज इक्वल टू 50. 1 - 0.8 क्या है, 0.2. y इज इक्वल टू 50/0.2. तो ये यहां से कट जाएगा बेटा 25, एंड आंसर इज 250. आंसर इज 250. तो आपने पेपर में, ये जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को लगाएं, आपने क्या करना है, आप क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको अकॉर्डिंग टू आवर बोर्ड एनसीईआरटी बुक मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है इनकम निकालने का, लेकिन आप इस तरीके से पूरा सॉल्व कीजिए तो आपका आया भी. तो देखिए ए बार, तो मैंने क्या लिखा है, वाई इज इक्वल टू ए बार अपॉन 1 - b. ये क्या ना, देखो वाई इज इक्वल टू ए बार अपॉन 1 - b. सी दिस इज सेम, क्लियर जी. दैट्स ऑल फॉर द डे. आपको ये हॉट्स क्वेश्चन जरूर करके जाने हैं अगर आप प्लस टू में हैं. यू शुड बी क्लियर विद ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स. कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जाइए, डाउट लिखिए, विल श्योरली रिजॉल्व इट जैसे पिछली वीडियोस में किया है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.